कांग्रेस के लोगों को दिन रात सोते जागते सपने में भी सिंधिया नजर आते हैं, इसलिए वे इनका विरोध करते हैं। ये कहना है प्रदेश के मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव का। शाजापुर जिले के प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहले दौरे पर पहुंचे मंत्री बृजेंद्र यादव ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश में 15 साल बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन कांग्रेस ने उनका सम्मान नहीं रखा और सरकार चली गई। और कांग्रेस का सरकार जाने का दर्द बार बार झलक उठता है, इसलिए सिंधिया के विरोध के साथ ही उनके लिए उल्टे सीधे बयान देते हैं। मंत्री बृजेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस अपनी ही गलतियों का परिणाम भुगत रहे हैं। इससे पहले मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने कलेक्टर कार्यालय में कोरोना तैयारियों की समीक्षा बैठक लेने के साथ ही जिला योजना समिति में अधिकारियों की बैठक ली थी, जिसमें उन्होंने मुख्य तीसरी लहर से निपटने के लिए आवश्यक इंतजाम के निर्देश दिए। मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि अधिकारी कर्मचारी के तबादले में पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी, साथ ही वर्षों से एक ही जगह जमे भ्रष्ट अधिकारी को भी बदला जाएगा। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को सरकार का बचाव करते हुए मंत्री यादव ने कहा कि सरकार की योजनाओं में जो पैसे खर्च होते हैं उसके चलते ही महंगाई की थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। प्रभारी मंत्री यादव ने कहा कि शाजापुर जिले के विकास को लेकर वो प्राथमिकता से काम करेंगे और सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का प्रयास करेंगे। मंत्री बृजेंद्र यादव ने आज सुबह जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर निर्देश दिए। इसी के साथ उन्होंने जनपद पंचायत परिसर में आत्म भवन के लोकार्पण किया। गौरतलब है कि मंत्री बनने के बाद मंत्री बृजेंद्र यादव दो दिन से दौरे पर शाजापुर पहुंचे हैं। आज भी वो दिन भर काला पीपल शुजालपुर क्षेत्र में शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार के साथ दौरे पर रहेंगे। विंध्या किरण के लिए शाजापुर से संदीप गुप्ता की रिपोर्ट। मंत्री होने के बाद मैंने देखा कभी उन्होंने अपनी गाड़ी में लाल बत्ती नहीं लगाई, कभी सारा नहीं लगता था उनकी गाड़ी में, लेकिन लड़ाई थी मान सम्मान की। अब जब सम्मान नहीं तो वहां क्या मतलब रहने का। अब तो कुर्सी जाएगी तो स्वाभाविक है आदमी दिल मिलाएगा, और आज वो ही उनकी तो जो दिलनायक है, जो कुर्सी जाने का दम है वो बार बार झलक कर सामने आता है। वो केवल एक ही बात करते हैं, क्योंकि उनको सोते जागते सिंधिया जी दिख रहे हैं, सिंधिया जी के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा। और आज जो दुर्दशा हो रही है कांग्रेस की, वो कारण इसी कारण से हो रही है। आज तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी आज देश के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी क्यों है, क्योंकि इस पार्टी में अनुशासन है, मान सम्मान है कार्यकर्ता का, नेता का मान सम्मान है। लेकिन वो पार्टी वो पारिवारिक पार्टी है, वो व्यक्तिगत पार्टी है, वो जातिवाद पार्टी है। इसलिए वो पार्टी की आज जो प्रदेश की बात करें चाहे देश की बात करें, आज वो हालत इसीलिए हो रही है। तो जो तिलमनायक है ना, उनका हम कहें कि नाराजगी है, वो स्वाभाविक है। वो तो आरोप लगाते रहे, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आरोप तो विपक्ष का काम होता है, आरोप लगाना, लगाते रहे उसको कोई फर्क नहीं।